नमस्ते। आज मैं चल रही हूँ भटूरा बनाने। इसके लिए हमने मैदा लिया है, आधा किलो मैदा लिया है। उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, या आप देसी घी हो तो भी डाल सकते हैं, डालडा वो डाल सकते हैं। हल्का सा नमक ऐड किया है। अब उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसे खस्ता भी मिलाया जाता है वैसे ही मिला लेंगे, लेकिन थोड़ा कम रिफाइंड रहेगा। उसके बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे। लगभग जो है 200 ग्राम दही डालेंगे। उसे दही में ही सानेंगे, पानी ऊपर से नहीं डालना है। अगर थोड़ा कम लगे तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पहले दही में आप सान लीजिए, कम रहेगा तो पानी का छिट्टा डाल डाल के सान लेना है डो को। अब इसको हम सान लेंगे अच्छे से, और सानने के बाद रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। इसको फूलने के लिए, फिर अच्छे से डो बन फूल जाता है, उठ जाता है। इसमें मीठा सोडा वगैरह नहीं डालना है। उसके बाद फिर हम भटूरा बनाएंगे। इधर मेरा छोला बन के पहले तैयार हो गया है। ये छोले की रेसिपी पहले बता चुके हैं। अब जा रहे हैं भटूरा बनाने। इसके लिए मेरा आटा एकदम गूंथ के उठ गया है, फूल गया है। अब इसको बेलेंगे। अगर आप हाथ से नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ उस पे चक्का बेलन पे भी बेल सकते हैं। हम तो उसी पे बेल के बनाते हैं। हमें थोड़ा कम तेल डाला है क्योंकि दो तीन लोग ही खाने वाले हैं। ज़्यादा तेल डालते हैं पे बच जाता है, फिर वो यूज में नहीं आता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आप तेल बढ़ाना चाहें तो तेल बढ़ा भी सकते हैं। अभी मेरा भाई भटूरा बन गया। अभी हम दूसरा भटूरा डालेंगे। इसमें ऐसे ही बनाना है जैसे बना रहे हैं। खूब अच्छे भटूरे टेस्टी बनते हैं, कुरकुरे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।